Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSET, today we will discuss boat and stream. Boat and stream एक interesting topic है, easy topic है. Exam के अंदर एक question हम expect कर सकते हैं boat and stream में से, because अगर हम previous year का analysis करते हैं तो boat and stream आ जाता है. मैं ये नहीं कहती कि हर बार एग्जाम के अंदर आता है, बट बोट एंड स्ट्रीम में से क्वेश्चन आ जाता है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का. स्किप इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज इजी है. जस्ट आप ये देखोगे कि अभी हमारी हाफ आवर की क्लास है और उसके अंदर ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने. ओके, तो सभी ने ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझना है और इसके बाद में ये मान के चलिए कि अगर बोट एंड स्ट्रीम पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आप डेफिनेटली कर लोगे उसको. ओके, तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, हाँ जी, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक मिनट लूंगी बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लेते, बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए आप सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी इस बार आपने यूपीएससी का एग्जाम देना है, उस केस के अंदर जब सी सेट की हम बात करते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट वे से प्रिपरेशन कर सकते हो. देखिए, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, हर एक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे, 2-3 साल हो गए उनको प्रिपेयर करते हुए, तो उनके कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है. लाइक आप कहते हो कि हाँ जी नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, इस तरह से कुछ टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं और जो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उसके लिए क्या हमें कंप्लीट कोर्स लेना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो वो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेस. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है माइक्रो कोर्सेज का, इसके अंदर आप सिंगल सिंगल टॉपिक ले सकते हो. ओके, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे कि हाँ जी लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश मेरा अच्छा है, मुझे क्वांट के अंदर दिक्कत आ रही है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं मुझे लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, इन दैट केस वो जा सकते हैं मॉड्यूल कोर्सेज के लिए, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं. अगर आपको क्वांट चाहिए आप क्वांट ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए आप लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो, आपको इंग्लिश की जरूरत है आप इंग्लिश ले सकते हो. ओके, इसके बाद करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट कोर्स की जरूरत है, अभी वो प्रिपेयर कर रहे हैं 23 के लिए, ठीक है, और वो कहते हैं कि अभी मैंने बेस बनाना है, धीरे धीरे करके मैं अपना कंप्लीट कर लूं, तो वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं. ठीक है, इसी के अंदर ही बेटा दो कोर्सेज है, एक है कंप्लीट कोर्स और दूसरा है क्रैश कोर्स. स्पेशल क्रैश कोर्स डिजाइन किया हमने, तो जो फास्ट ट्रैक पे स्टूडेंट करना चाहते हैं दे कैन गो फॉर स्पेशल क्रैश कोर्स. ओके, और जो स्लो स्लो आराम से करना चाहते, बट ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये नहीं कर सकते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो इजीली कंप्लीट कोर्स को भी कवर कर सकते हैं, कि वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं स्किप करना, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, कोई भी मैंने चांस नहीं लेना, दे कैन गो फॉर कंप्लीट कोर्स. ओके, तो कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो बेटा टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. इसके अंदर भी आप लोगों के पास में फ्रीडम है कि आपको सेक्शनल टेस्ट चाहिए या कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश. इसके अलावा अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो कंप्लीट चाहिए, तो कंप्लीट मॉक भी अवेलेबल है. अगर आप कहते हो सेक्शनल और कंप्लीट मुझे दोनों का कॉम्बो चाहिए, इन दैट केस वो भी अवेलेबल है. तो टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा सकते हो. ओके, अब आती है सब्सक्रिप्शन. मैंने अभी आप लोगों को बताया माइक्रो कोर्स, मॉड्यूल कोर्स, कंप्लीट कोर्स एंड टेस्ट सीरीज. अब कहते हो आप कि मुझे तो सारा कुछ चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, फुल सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो. अब फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर भी जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे रहे हैं 2022 के अंदर, उनको माइंड में रखते हमने एक स्पेशल एक आप लोगों के लिए अभी तैयार किया कि भाई आप लोगों, अगर आपको एक महीना ही है तो क्यों मैं एक साल की सब्सक्रिप्शन लूं, ठीक है. तो इसके लिए स्पेशली हमने डिजाइन किया कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ओनली. ओके, सिर्फ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको सारे इस कंटेंट पे एसएस रहेगा, बट ओनली फॉर 1 मंथ, ठीक है. तो वो भी अवेलेबल है, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, एंड इन 1 मंथ यू हैव एसेस टू ऑल द कंटेंट्स. ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको चाहिए कि हाँ जी आगे के लिए प्रिपेयर करें, तो भी आप आगे फर्दर उसको एक्सटेंड कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन को. ओके, सो नाउ कम ऑन द टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बोट एंड स्ट्रीम. ओके, तो बोट एंड स्ट्रीम करते हैं बेटा. कोई अगर किसी भी
टाइम पे आपको प्रॉब्लम आती है ज्वाइनिंग के अंदर, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जब आप कोर्स पे जाते हो तो वहां पे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, इवन यू कैन कॉल अस। ओके, हाँ जी, अब आते हैं हम बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट पे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा। देखिए, बोट है, एक बोट है। अब वो बोट पानी के अंदर चल रही है। अब बात आती है कि बेसिक से बता रहे बेटा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आज ही कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें मेनली कंसेप्ट ही है। बोट के अंदर क्या, बोट चल रही है। अब दो बातें होगी। अब ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ ही बोट ही हमारी चल रही है, उसके साथ साथ में जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम भी तो मूव कर रही है, मींस की हवा भी तो चल रही है, जिसकी वजह से आपकी जो बोट है उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है। ओके, तो जो हवा का बहाव है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम। अब स्ट्रीम अगर मान लो मेरी बोट की डायरेक्शन, बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रीम आपकी जो बोट है वो तेजी से चलेगी। दैट मींस उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम उसको, डाउन स्ट्रीम। और जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की वो बढ़ जाती है। अगर मैं कहूं कि जो बी है, बी इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड एस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, बी प्लस एस। क्लियर। इसी तरह से अगर मान लो मेरी बोट एक डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड अपस्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, दैट मींस कि अवर बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम। जब अपस्ट्रीम जाती है तो उसमें क्या होगा, स्पीड कम होगी। कैसे, क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड के अंदर से स्ट्रीम की स्पीड को हम बेटा माइनस कर देंगे। क्लियर, छोटा सा कंसेप्ट था, क्लियर है सभी को। ओके, अब देखिए क्या कह रही मैं, बोट इज सेट डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कब है, जब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जा रही। वैसे भी अगर ध्यान ना रहे कंसेप्ट, तो सीधा सा देखो कि अगर हम पुल है, पुल से जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम पुल के ऊपर चढ़ रहे होते हैं ब्रिज के ऊपर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, स्पीड कम हो जाती है। तो वो हो गया अप, अप मींस कम हो रही है, दैट मींस कि माइनस हो गया, अपोजिट हो गया। ओके, तो इसी तरह से अपस्ट्रीम कब कहेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद में अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो अगर मैं कहती हूं कि बोट की स्पीड है बी और स्ट्रीम की स्पीड है एस, तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी बेटा, दोनों को एड अप कर देंगे, और अपस्ट्रीम क्या हो गई, दोनों को माइनस कर देंगे, मींस बोट के अंदर से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे। ओके, अब मान लीजिए ऐसा भी आ सकता है आपके पास में कि बोट के, आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है। आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि बोट की स्पीड बताओ या फिर स्ट्रीम की स्पीड बताओ। जब भी बोट की स्पीड की बात हो रही है, दैट मींस कि इन स्टिल वाटर है ये। ओके, क्या है, स्टिल वाटर है। तो क्या करेंगे हम, हाँ जी, अगर आपके पास में बोट की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे, दोनों को प्लस करो, टू से ऐड करो, दोनों को प्लस करेंगे और टू से ऐड कर देंगे, सॉरी टू से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय टू। ओके, सेम वे अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टू, माइनस करके टू से डिवाइड कर दोगे। सिंपल सा है, समझ आ गया, वेल एंड गुड। अदरवाइज एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार रिवाइज कर लेना क्लास के बाद में। सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, देखो सिंपल से शुरू कर रहे हो बेटा, बिल्कुल सिंपल से शुरू कर रहे हो, और आज की क्लास में ही आपके बोट एंड स्ट्रीम के सारे कंसेप्ट क्लियर। बोट एंड स्ट्रीम पे कोई डाउट नहीं रहने वाला इसके बाद में। हाँ, लास्ट तक भी क्लास में सभी ने रहना, सभी ने लास्ट तक क्लास में बने रहना। ओके, देखिए क्या है, रवि कैन रो डाउनस्ट्रीम एट 9 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम दैट मींस कि डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरे पास में गिवन है कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम एट 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्पीड स्ट्रीम भी मेरे पास गिवन है, क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द रवि स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। करंट कह लो बेटा, स्ट्रीम कह लो, ठीक है, और यू कैन से कि स्पीड ऑफ या स्पीड ऑफ विंड, फ्लो ऑफ विंड, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो सीधी सी मतलब है उसका क्या, कि स्ट्रीम की बात हो रही है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया स्टिल वाटर के अंदर क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय टू, कितना आ गया, 14/2, दैट मीन्स कि 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीम का क्या हो गया, माइनस कर देंगे सीधा,
कितना आ गया 4/2 दैट मीन्स कि 2 किलोमीटर पर आवर. सो देयर आंसर विल बी 7 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर. इजी है, इजी है. ओके नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है. ए बोटमैन रो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम. अभी छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इनको भी पकड़ना. क्वेश्चन इजी आता है एग्जाम के अंदर, मैं बता रही हूँ. इजी क्वेश्चन आता है बोट एंड स्ट्रीम के अंदर से अगर एग्जाम में आएगा तो. अब बात आती है कि हाँ जी आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्या क्लियर होने चाहिए कि भाई मेरे पास क्या कीवर्ड यूज है. अलोंग, अलोंग मीन्स क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम. मीन्स की जो स्ट्रीम की है वो बोट के साथ साथ जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है. सेम डायरेक्शन दैट मीन्स की डाउन स्ट्रीम आपके पास गिवन. ओके कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट दैट मीन्स कि वी कैन फाइंड आउट द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम. अगेंस्ट दैट मीन्स की अप स्ट्रीम स्पीड. ओके क्या आ गया, अप स्ट्रीम. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है स्ट्रीम की. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे, हाँ जी क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर इन 5 मिनट दैट मीन्स की जहां पे जो स्पीड है आपके पास में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई बेटा, डिस्टेंस. सभी को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके तो यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस डिवाइड आपके पास में 1 किलोमीटर, टाइम इज 5 मिनट. मिनट को अगर मैं आर में कन्वर्ट करती हूँ दैट मीन्स की डिवाइडेड बाय 60, तो 60 कहाँ चला गया मेरे पास में, यहाँ पे कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आर. डन, कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आर. अब उसके बाद में आता है स्पीड अपस्ट्रीम. अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो यहां पे क्या आ रहा है, 6 किलोमीटर इन 1 आवर दैट मीन्स कि 6 किलोमीटर पर आवर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रीम की स्पीड, हाँ जी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2. तो यहां पे बेटा स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर. ओके कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय ए बोट. नाउ द क्वेश्चन इज की फाइंड आउट टाइम, टाइम आपको फाइंड आउट करना है बाय ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 128 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम. अलोंग द स्ट्रीम दैट मीन्स की डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम ऑफ की भी स्पीड आपके पास में गिवन है, बोट की स्ट्रीम भी स्पीड भी आपके पास गिवन है. दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्पीड डाउन स्ट्रीम आपके पास क्या आ जाएगी, हाँ जी कितना आ जाएगा बेटा, 24 + 8 दैट मीन्स 32 किलोमीटर पर आवर. ओके एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 128 किलोमीटर. नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट टाइम, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. बस ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे डाउनस्ट्रीम पूछा गया इन दैट केस स्पीड कौन सी लेंगे, हम डाउनस्ट्रीम स्पीड लेंगे. अगर अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम स्पीड लोगे. ओके तो यहां पे आपके पास टाइम क्या आ गया, 128 डिवाइडेड बाय 32 दैट मींस 4 आवर्स. ओके सो योर आंसर विल बी 4 आवर्स. हाँ जी क्लियरिटी आ रही है कुछ सभी को, क्लियरिटी आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. अगर किसी ने पहले नहीं भी किया हुआ तो भी बिल्कुल इजी आई थिंक समझ आना चाहिए. ओके नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट देखिए क्या है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 48 मिनट्स दैट मीन्स कि हमारे पास में यहां से क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी. ओके द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. करेंगे सभी ट्राई खुद से, हाँ जी ट्राई करिए. सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड आ गई कैसे आएगी, देखो स्पीड ये क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम. तो स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. डिस्टेंस कितना है 12, टाइम कितना 48 मिनट्स हैं. अब इसको भी ध्यान रखा करो, मिनट है दैट मींस कि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स. ओके तो क्या आएगा 48 / 60 बेटा ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया आपके पास में 12 * 48 4 से हो गया आपके पास में 50.
15 किलोमीटर पर आवर। अब तो इजी है, आगे आंसर सभी का। अब हमें पता है कि स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी गिवन है आपके पास, 2। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चला गया, दैट मीन्स कि 17 किलोमीटर पर आवर। सो योर आंसर विल बी 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर, दैट मींस कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ओके, दूसरा देख, द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, स्टिल वाटर गिवन है आपके पास, देन हाउ मच ही कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, 10 आवर्स के अंदर कितना डाउन स्ट्रीम जा सकता है, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू चाहिए। ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, मैं उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। करिए ट्राई, हाँ जी देखो बेटा करो ट्राई, क्या कह रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर 6 आवर, ठीक है, दैट मीन्स की स्पीड अप स्ट्रीम आ गई मेरे पास 30/6, दैट मीन्स की 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि स्टिल वाटर की कितनी है, 6, स्टिल वाटर गिवन है मेरे पास, दैट मींस कि मेरे पास में यहां पे देखो बी माइनस एस की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 6, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, 1 आ गया, एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। देखो सिंपल है, क्या कहा उसने, स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड मेरे पास आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब उसके बाद में कितनी है 5, तो साथ में उसने कहा है कि स्टील वाटर की कितनी है 6, दैट मींस कि दोनों को मिला के अगर 5 बन रही, दैट मींस कि स्ट्रीम की स्पीड माइनस करे तभी 5 आया ना, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई आपके पास में, 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, एड कर देंगे हम, एड कर देंगे, स्टील वाटर कितना है आपके पास, 6, 6 + 1 = 7 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस इन 10 आवर्स कितना हो गया बेटा, 10 × 7, दैट मीन 70 किलोमीटर। ओके, सो योर आंसर विल बी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, एक सिंपल सा देखो, एक तो हमारे बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट है और साथ में ही स्पीड एंड डिस्टेंस के अंडर ही आता है। बोट एंड स्ट्रीम देखो, बोट एंड स्ट्रीम रेसिस से भी क्वेश्चन आ जाता है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, रेसिस हो गया आपके पास में, ट्रेन्स हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं बेटा, ये आपके मेन टॉपिक है स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आते हैं। तो अगर आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है तो उसके अंदर आपका जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, ट्रेन पे भी आ सकता है, रेस पे भी आ सकता है, बोट पे भी आ सकता है। ओके, तो डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है आपके पास में, स्पीड इंटू टाइम, यही लगाया मैंने यहां पे। कोई डाउट किसी को, नेक्स्ट देखिए फिर, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, बी मेरे पास गिवन है, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। हाँ जी, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर मैंने ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को करवाया था, क्या कि एक, मगर मान लो मैं कहती हूँ कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ के लिए हमारे पास में स्पीड 1 है, वापसी के लिए स्पीड 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो एक पर्सन इधर जा रहा है स्पीड 1 से, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है स्पीड 2 के साथ में, और आपके पास में यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन है उसमें मैंने 2 कंसेप्ट करवाए थे अगर याद हो, एक तो था डिफरेंस वाला कि भाई टाइम डिफरेंस आपके पास गिवन है। मैं जो कंसेप्ट बता रही हूँ बेटा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास में कोई भी जो स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर से कुछ भी आ जाए, चाहे ट्रेन का कंसेप्ट हो, चाहे बोट एंड स्ट्रीम है, चाहे रेसिस, सभी में ये यूज हो सकता है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो स्पीड एंड टाइम पे, ध्यान से समझ लो। अगर आपके पास में कुछ भी इस तरह से गिवन है तो उस केस में देखो, अगर आपके पास टाइम डिफरेंस गिवन है,
टाइम डिफरेंस गिवन है और आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि एक साइड जाने से दूसरी साइड में कितना टाइम का डिफरेंस है, कम ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला यूज होगा स्पीड वन इंटू स्पीड टू डिवाइडेड बाई स्पीड वन माइनस स्पीड टू इंटू टाइम डिफरेंस। ओके, अगर आपके पास टोटल टाइम गिवन है, कई बार ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि हाँ जी एक पर्सन है यहाँ से यहाँ तक गया, दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, उसको टोटल इतना टाइम लगा, या फिर ये हो सकता है कि स्कूल गया बस में, आया पैदल, उसको इतने टाइम का डिफरेंस हो गया। तो जब टाइम डिफरेंस है, इन दैट केस यू विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपके पास टोटल टाइम गिवन है तो टोटल टाइम के अंदर आप क्या करोगे, अगर आपके पास टोटल टाइम गिवन है तो उस केस के अंदर हम ये, बेटा टाइम का फॉर्मूला नहीं है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओके, कब जब आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है, इन दैट केस डिस्टेंस आप इस फॉर्मूला से यूज करोगे, ठीक है ना। अगर आपको दूसरे वाला गिवन है तो उस केस के अंदर डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, स्पीड वन इंटू स्पीड टू डिवाइडेड बाई स्पीड वन प्लस स्पीड टू। सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, टोटल है तो प्लस कर दो, ठीक है, डिफरेंस है तो माइनस कर दो, टाइम यहां पर क्या होगा, फिर टोटल टाइम हो जाएगा। हाँ जी, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे अब आपके पास गिवन क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, कह रहे 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में जा रहा है और करंट की स्पीड है, एक साइड अपस्ट्रीम जाएगा एक साइड डाउनस्ट्रीम जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ही टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाता है तो स्पीड कम होती है, तो कह रहे उसको 3 घंटे ज्यादा लगे। दैट मीन्स की क्या गिवन है, टाइम डिफरेंस गिवन है आपको, पास में टाइम डिफरेंस गिवन है। एक साइड स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम, एक साइड क्या होगी, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम दैट मींस की कितनी होगी, 6 + 2 = 8, एक साइड होगी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरी साइड 6 - 2 दैट मींस की 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, बेटा डिफरेंस गिवन है, दैट मींस की क्या करेंगे, स्पीड वन इंटू स्पीड टू डिवाइडेड बाई डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस इज 3, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, कितना आ गया 24 किलोमीटर, बताओ कितनी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। दूसरा इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास में टोटल डिस्टेंस है डी, टोटल डिस्टेंस है डी, तो उस केस के अंदर क्या आएगा आपके पास में, जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो आपका टाइम कम लगेगा, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या हो गया, अपस्ट्रीम माइनस डी डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू जितना भी आपके पास में डिफरेंस गिवन है। यहां से भी जब आप इसको सॉल्व करोगे, इन दैट केस यू विल गेट 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटर बोट कैन मूव विद स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कि दोनों के मेरे पास में स्ट्रीम और बोट दोनों की स्पीड गिवन है, आई कैन फाइंड आउट डाउन स्ट्रीम स्पीड एज वेल एज अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, इट टेक्स 14 आवर्स राउंड ट्रिप। अब देखो यहाँ पे टोटल गिवन है, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ मुझे, टोटल गिवन है, अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट बताया मैंने, जब टोटल टाइम गिवन है क्या निकालेंगे, स्पीड वन इंटू स्पीड टू डिवाइडेड बाई स्पीड वन स्पीड टू इंटू टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब यहां पे देखो, एक साइड क्या होगा, एक साइड जब जाएगा तो डाउन स्ट्रीम होगा, जब वापसी आएगा तो एक साइड, दोनों में कोई भी हो सकता है, जब आप इधर से इधर जा रहे हो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रीम की स्पीड इधर है, तो उसके एक साइड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हो गया, एक साइड अप स्ट्रीम हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक साइड अपस्ट्रीम है एक साइड डाउनस्ट्रीम है, इट डजंट मैटर, कैलकुलेशन करोगे सेम ही आएगा दोनों में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो एक साइड कितना हो गया बेटा 10, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ गया 4, दोनों का सम करा 14, और टोटल टाइम कितना है 14 आवर्स, कितना आ गया आपके पास में 40 किलोमीटर, सो आंसर विल बी 40 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स, देन
द स्पीड ऑफ द मोटर बोट। अब देखो पहले हमारे पास में दोनों वैल्यूज गिवन थी, स्ट्रीम की स्पीड भी गिवन थी और बोट की स्ट्रीम भी गिवन थी, स्पीड गिवन थी, तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पा रहे थे। अभी क्या है कि आपके पास में गिवन नहीं है, क्या नहीं गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड गिवन नहीं है। क्या गिवन है, मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम बैक अगेन स्टार्टिंग पॉइंट दिस, अ करंट गिवन है, यस स्ट्रीम की स्पीड गिवन एंड वी वांट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट। ओके, तो अब देखो इसके एक इसमें भी हमने ध्यान क्या देना कि मेरे पास टोटल टाइम गिवन है या टाइम डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या गिवन है आपके पास, टोटल टाइम गिवन है, ठीक है ना। तो अब देखो अगर मान लो मैं कहूँ कि स्पीड क्या है मेरी बी है, तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, एक साइड अपस्ट्रीम एक साइड डाउनस्ट्रीम, एक साइड अपस्ट्रीम एक साइड डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड क्या रहेगी मेरे पास प्लस 5 और दूसरी साइड बी माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, दोनों की स्पीड का सम करेंगे, सम करेंगे तो कितना आ गया बी प्लस 5 प्लस बी माइनस 5 इंटू जो भी टोटल टाइम। ये क्या है, स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम, क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2b बच गया, ठीक है। और डिस्टेंस आपके पास गिवन है इस क्वेश्चन में, कितना गिवन है 10 किलोमीटर, तो इसको हम 10 के इक्वल पुट कर देंगे। ओके, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, कितना आ गया बी स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 24b। एक आपके पास में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, या आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। अब तो क्या आ गया आपके पास, बी स्क्वेयर माइनस 24b माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू क्या आ गई 25 एंड माइनस 1। अब बोट की स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, क्या आएगी प्लस में ही आएगी, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 25। ओके, क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समीर कैन रो ए डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 24 आवर्स एंड कैन कम बैक कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन 36 आवर्स। अब आपके पास में टाइम गिवन है, जाने का और आने का, सिर्फ टाइम गिवन है। और क्या कह रहा है, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द समीर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर दैट मीन्स की बोट की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, अब यहाँ पे ये वाली जो टाइप है ये आपकी 2020 के अंदर आया हुआ था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना, इस तरह वाली टाइप पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए क्या है, अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम के अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशियो गिवन हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपके पास में डिफरेंस गिवन हो सकता है, या आपके पास कुछ भी ऐसी ऐसी सिचुएशन गिवन हो सकती है फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। कुछ भी ऐसा एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या ध्यान रखना है आपको, सिंपल सा देखो। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जो टाइम है वो गिवन है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम बेटा क्या कह रहा है 24 और अपस्ट्रीम कितना कह रहा है 36। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या आ गया आपके पास में, ये आ गई, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं स्पीड की रेशियो देखूँ तो हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन्स कि उल्टे होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इसकी रेशियो क्या आ गई 3:2, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्चुअल में स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बी प्लस एस, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बी माइनस एस। मीन्स एक्चुअल रेशियो तो ये रहेगी, और ये किसके इक्वल गिवन है आपके पास में 3:2। मीन्स जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो तो उस केस में बेटा ये वाला कंसेप्ट लगाना है आपने। ओके, अब जो वैल्यू गिवन है, अब ऐसा भी हो सकता है स्ट्रीम की स्पीड गिवन हो आपको बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बोट की स्पीड गिवन हो स्ट्रीम की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी हो। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, रेट स्ट्रीम किस रेट से जा रही है 12, दैट मीन्स कि इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 12 पुट कर देंगे सिंपल। ओके, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर,
क्वेश्चन आ गया 3b माइनस 36, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 60. ओके, कितना आ गया 60. बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट आ रहा? देखो क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जब भी कोई भी इस तरह का हो आपके पास क्वेश्चन जिसके अंदर रेशियो बन रही है, तो आप डायरेक्टली ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो. चाहे टाइम का रेशियो गिवन है, चाहे आपके पास में स्पीड का रेशियो गिवन है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को. ठीक है, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ऑटोमेटिकली माइंड में होना चाहिए कि हाँ जी वीडियो को लाइक और शेयर करना है हमने. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है. ए बोट टेक डबल. हाँ, अब देखो यहां पे आपके पास डबल वर्ड यूज हो गया. डबल क्या कह रहा है? बोट टेक डबल द टाइम. डबल दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली अपने पास रेशियो ही गिवन है. क्या? गोज डाउन स्ट्रीम वाइल कमिंग अप स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के अंदर जो टाइम है वो क्या कह रहा है? डबल टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम से आपको डबल टाइम लग रहा है वाइल कमिंग अप स्ट्रीम. ठीक है ना, अपस्ट्रीम में टाइम क्या लग रहा है? उसको डबल लग रहा है डाउनस्ट्रीम से. दैट मींस कि जो स्पीड है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको, और ये जैसे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो डायरेक्टली कर पाओगे आप. तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है, अपस्ट्रीम में स्पीड कम है. अब साथ में क्या गिवन है? इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट. बोट की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है. अभी मैंने क्या बताया? बी प्लस एस डिवाइडेड बाई बी माइनस एस. क्या गिवन है आपके पास? 2/1. देन ये कितनी वैल्यू है? 3. इसकी जगह 3 पुट कर देंगे हम. सोल्व करेंगे कितना आ गया? बी प्लस 3 इज इक्वल टू 2b माइनस 6. सो बी इज इक्वल टू 9 किलोमीटर. कितना आ जाएगा आपके पास? 9 किलोमीटर पर आवर. ओके, बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कर लेंगे सभी, डेफिनेटली पक्का. ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आई थिंक. इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना बोट एंड स्ट्रीम में. अगेन चेक कर सकते हो आप, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. माइक्रो कोर्स, मॉड्यूल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड फुल सब्सक्रिप्शन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है अभी पीडीए आपको उसी तरह की फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है. कुछ नहीं करना, एक बार लिंक पे जाना है, एक बार उसको सभी को एक्सप्लोर करके देखना है, जैसा चाहिए वो मिलेगा. ठीक है ना, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. क्लासेस ओवर.